सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पॉकेट गुरुजी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन होने वाला है या नहीं, और साथ ही साथ इस बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो अचानक से कैसे बढ़ने लग गई है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरुजी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जब से कैरिबिनाटी का वीडियो आया था टिकटॉक वर्स यूट्यूब, और जब से वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट हुआ, तब से इंडिया में टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ गई है, और कितने लोगों ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब टिकटॉक की रेटिंग 4.2 थी तो उस समय जो रिव्यू था टोटल वो था 21 मिलियन। तो जब इससे घटकर ये हो गया था 1.2, तो उस समय इसकी रेटिंग थी 28 मिलियन। लेकिन फ्रेंड्स, अभी अचानक में इसकी रेटिंग बढ़कर 1.6 तक पहुंच गई है। तो इस समय अगर आप उसका रिव्यू देखते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 27 मिलियन रिव्यू। तो 1 मिलियन जो रिव्यू थे वो आखिर कहां गए और वो क्यों हटा दिया गया प्ले स्टोर से? तो फ्रेंड्स, जो उसका सबसे पहला बड़ा रीजन है वो ये है कि कई सारे ऐसे रिव्यू होते हैं, कई सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें अब्यूज का यूज किया जाता है, जैसे गाली गलौज का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच ही सकते हैं कि जब कैरिमिनाटी का वीडियो डिलीट हुआ था तो उस समय लोग कितने गुस्से में थे और कौन कौन से लैंग्वेज का यूज किए होंगे उसका रिव्यू करने में। तो जो सबसे पहला बड़ा रीजन था वो फ्रेंड्स ये हो सकता है। और जो दूसरा रीजन मेरे तरफ से होता है, तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे अगर आप चेक करते हैं किसी ऐप का, जो कि फ्रेंड्स अभी उसका नाम भी नहीं है और वो एक फेक ऐप है, उसकी भी अगर आप रेटिंग की बात करें तो उसकी भी रेटिंग आपको देखने को मिलेगा 4 पॉइंट तक। तो आखिर क्यों फेक ऐप्स का भी रेटिंग जो है वो 4 पॉइंट तक चली जाती है? तो क्या रेटिंग को बाय किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई कंपनी हो जो पैसे लेकर रेटिंग करती हो ऐप्स का, तो इसके वजह से भी टिकटॉक की रेटिंग का थोड़ा बहुत जो अभी सुधार दिख रहा है टिकटॉक में, वो इसके वजह से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन कौन से रीजन हो सकते हैं टिकटॉक की रेटिंग बढ़ने का? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड सलाम अलैकुम।